दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीलिंग फैन की टेस्टिंग कैसे करते हैं व इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। क्योंकि ये जो फ़ैन है ये लगभग सभी के पास उपलब्ध होता है और कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है तारों की, यानी कैसे जोड़ना चाहिए इसको। तो आज मैं इसको टेस्टिंग करके बताऊँगा और उसको चला के बताऊँगा कि जो टर्मिनल है, देख रहे हैं आप, इसमें तारों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको जो अगली वीडियो में मैं डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलो दोस्तों, आज इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है लाइटिंग आ रही होगी हल्की हल्की, जो आपको शायद दिख रही होगी। इसका मतलब है कि बल्ब से अपन टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन रेड वायर को टेस्टिंग करेंगे, रेड टू रेड, यानी एक तार रेड इस वाले रेड में लगाएंगे, दूसरा तार इस वाले रेड में। ये देखो, यहाँ पर स्पार्किंग हो रहा है हल्का हल्का, जो आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जो रनिंग वाइंडिंग है वो ठीक है। ये देखिए, सेम टू नीले वायर पे करेंगे, इसमें स्पार्किंग हो रहा है, यानी कि ये भी ठीक है, यानी कि पंखे की दोनों वाइंडिंग ओके हैं। अगर कैपेसिटर को चेक करना चाहते हो तो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट करके देखेंगे, अगर स्पार्क हुआ तो समझ लेना कि ओके है। ये देखिए, ओके है। तो आपने टेस्टिंग कर ली। एक टेस्टिंग और होती है जो लगभग सभी उपकरणों में अवश्य की जाती है और वो करनी भी चाहिए, उसको बोलते हैं उपकरण की अर्थिंग टेस्टिंग। वो कैसे करते हैं वो देखिए। एक वायर जो है सीरीज लैंप का, वो लगाते हैं पंखे की बॉडी पर। पंखा हो चाहे कोई भी उपकरण हो, टेस्टिंग लैंप का एक वायर उसकी बॉडी पर टच करते हैं और दूसरा वायर वाइंडिंग पर टच करते हैं। ये देखिए, ऐसे कोई स्पार्किंग नहीं हो रहा है। रेड पे टच करके देखते हैं, रेड पे भी नहीं हो रहा है, यानी कि अर्थिंग भी ओके है, यानी सब चीज़ ओके है। अब मैं आपके इसको कनेक्शन करके बताऊँगा। तो फिर चलते हैं कनेक्शन की तरफ। अब अपन इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन मैं आपको एकदम साधारण तरीके से बताऊंगा, जो लगभग सभी के समझ में आ जाएगा। तो एक वायर नीला और एक रेड वायर, इसको हमको एक साथ ट्विस्ट करना है, यानी एक साथ इसको ट्विस्ट कर लेना है। ये बन जाता है कॉमन, यानी इसको एक तरफ ले लें। बचे दो वायर, इन पर अपन को कैपेसिटर के दोनों वायर ऐसे कैसे लगा देने हैं, एक नीला वायर और एक कैपेसिटर का वायर, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो बचा वायर है उसको कैपेसिटर के दूसरे तार से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, कनेक्ट हो गया, यहाँ दिख रहा है, सॉरी हट गया। ये देखिए, एक रेड वायर और एक नीला वायर हमने एक साथ ट्विस्ट कर दिया है, ये हो गया कॉमन, इसको कॉमन बोलते हैं। बचे दो, एक रेड और एक नीला, ये दोनों अपन ने कैपेसिटर के दोनों वायरों के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सप्लाई कैसे देंगे? सप्लाई देनी है अपन को, एक तो कॉमन में देनी है और एक देना है रेड में, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यानी सप्लाई का एक वायर ये हो गया, सप्लाई का दूसरा वायर ये हो गया। अब मेन बात ये होती है कि इसको टर्मिनल बॉक्स में कैसे लगाते हैं, इसमें कैसे लगाते हैं, इसमें आपको लगा के बताऊँगा। तो चलिए लगाते हैं। कॉमन जो वायर होता है उसको सबसे ऊपर लगाते हैं। टर्मिनल में आपको तीन पॉइंट दिख रहे होंगे, तीनों में से सबसे ऊपर का जो पॉइंट है इस पर लगाते हैं, यानी कॉमन को सबसे ऊपर लगाएंगे। ये जो फ्री वायर है यानी नीला कैपेसिटर के साथ जो जुड़ा है उसको लगाएंगे बीच में, यानी बीच वाले टर्मिनल पर लगाएंगे। और जो रेड है जिसमें अपन को दूसरी सप्लाई देनी है उसको लगाएंगे नीचे ही नीचे, यानी यहाँ पर लगाएंगे। चलो मैं आपको कस के बताता हूँ इनको। तो देखिए, ये लगा रहा हूँ, ये मैंने कॉमन वायर ऊपर ले वाले टर्मिनल पर लगा दिया, जैसे मैंने पहले बोला था। ये देखिए, ऊपर वाले टर्मिनल। अब जो अपना नीला वायर है इसको लगाना है बीच वाले टर्मिनल पर, यानी ये जो बीच वाला है इस पर लगाना है। एकदम फ्री रहता है, इसमें कोई सप्लाई नहीं होती। इसमें कस देता हूँ मैं इसको।
ये देखिए ये मैंने इसमें कस दिया। अब बचा रेड वायर कैपेसिटर वायर के साथ, इसको लगाएंगे टर्मिनल पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर ये लगा। इसके बोल्ट कस देता हूँ, ये देखिए, यानी कि तीनों यानी ऑल कनेक्शन हो गए, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको अपन थोड़ी टेस्टिंग करके देखते हैं। देख सप्लाई के दोनों वायर, एक अपन ने कॉमन में देने को बोला था और दूसरा रेड वायर में, यानी इसमें देना है, यानी एक तो इस पॉइंट में इधर की तरफ ऊपर ही ऊपर, और दूसरा सप्लाई का वायर नीचे यानी नीचे वाला पॉइंट पर। यहाँ पर अपन सप्लाई का वायर कस देते हैं और अपन पंखा ऑन हो जाता है। चलो मैं टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ इसको। देखिए एक वायर सप्लाई का ऊपर पगले पॉइंट पर, एक नीचे वाले पॉइंट पर। देखो इसने मोमेंट किया हल्का सा, देखो क्योंकि फिक्स नहीं है तो ऊपर वाला पार्ट ही इसका मोमेंट करता है जो स्टेटर होता है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, यानी ये मोमेंट करने लगा है, यानी अपन इसके सप्लाई के दोनों वायर यहाँ पर ऑलरेडी कस देते हैं, फिक्स कर देते हैं और उसको सप्लाई के लिए ले जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड मोमेंट करने लगा है, यानी अपना फैन के कनेक्शन ओके हैं। सो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इस फैन की डायरेक्शन यानी मोमेंट डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइए। और जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है उस प्रकार सब्सक्राइब पर क्लिक करें। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद